मंदाकिनी या गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में और झिलमिलाती सी मेखला के समान दिखाई पड़ता है। यह मेखला वस्तुत एक पूर्ण चक्र का अंग है जिसका क्षितिज के नीचे का भाग नहीं दिखाई पड़ता। भारत में इसे मंदाकिनी, स्वर्णगंगा, स्वर्णदी, सुरंदी, आकाशंदी, देवनदी, नागवीथी, हरिताली आदि भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी और सूर्य जिस गैलेक्सी में अवस्थित हैं, रात्रि में हम नंगी आंख से उसी गैलेक्सी के ताराओं को देख पाते हैं। अब तक ब्रह्मांड के जितने भाग का पता चला है उसमें लगभग ऐसी ही 19 अरब गैलेक्सीये होने का अनुमान है। ब्रह्मांड के विस्फोट सिद्धांत बिग बम थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार सभी गैलेक्सीये एक दूसरे से बड़ी तेजी से दूर हटती जा रही हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी अस्तित्व में हैं, जो बड़ी मात्रा में तारे, गैस और खगोलीय धूल को समेटे हुए हैं। गैलेक्सियों ने अपना जीवन लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। प्रत्येक गैलेक्सिया अरबों तारों को समेटे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण तारों को एक साथ बांध कर रखता है और इसी तरह अनेक गैलेक्सी एक साथ मिलकर तारा गुच्छ में रहती है। प्रारंभ में खगोल शास्त्रियों की धारणा थी कि ब्रह्मांड में नई गैलेक्सियों और क्वासरों का जन्म संभवत पुरानी गैलेक्सियों के विस्फोट के फलस्वरूप होता है, लेकिन यॉर्क विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्रियों डॉसियर प्यूटर्न और डॉय ईराइट ने गैलेक्सियों के चार समूहों की अंतरक्रियाओं का अध्ययन करके इस धारणा का खंडन किया है। उन्होंने यह बताया कि गैलेक्सियों के बीच में ऐसी विस्फोटक अंतर क्रियाएं नहीं होती हैं जो नई गैलेक्सियों को जन्म दे सकें।